हेलो दोस्त, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, आज एक बार फिर हमारे हिंदी के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल द एजुकेशन मंत्रा में आप सभी विद्यार्थियों का, जो भविष्य के सिपाही हैं, ठीक है, आज से आप लोगों को हम भविष्य का सिपाही कहना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पेट का पेपर सब लोगों ने भर दिया है? अगर नहीं भर दिया है तो बिना देर किए हुए बिल्कुल आज ही पेट का फॉर्म भर दीजिए और बिना देरी किए हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिएगा, आज हिंदी में हम आपको वो चीजें बताएंगे जो सिपाही की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है मेरा रूढ़ शब्द, ठीक है। आज हम आपको क्या बताने वाले हैं? सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं रूढ़ शब्द। क्या बताएंगे? रूढ़ शब्द। तो क्या होते हैं रूढ़ शब्द? तो देखिएगा, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो वह शब्द, ठीक है, चलिए मैं मार्कर बदल दिया हूं, वह शब्द जो किसी वस्तु विशेष, ठीक, अंडरलाइन कर लीजिएगा, वह शब्द जो वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, यहां लिख लीजिएगा, या व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। वह शब्द जो वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है, ठीक है। देखिएगा, रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है जड़ होता है, ठीक है। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जड़ होता है, ठीक है। अब देखिएगा, हम कंडक्ट इसको करा रहे हैं कहां से? रूढ़वादी विचारधारा से। अच्छा, रूढ़वादी विचारधारा क्या होती है? रूढ़वादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा होती है जो परिवर्तनकारी नहीं होती है, ठीक है ना, जो नो चेंज के फॉर्म पे काम करे। नो चेंज का मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कोई चीज अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो उस परिवर्तन पर नहीं जाएंगे, जो पहले से चली आ रही है परंपरा वो बिल्कुल उसी परंपरा का निर्वहन करेंगे, उसको हम बोलते हैं रूढ़वादी विचारधारा। हमारे यहां अगर देखा जाए तो वैदिक एरा में भी ऐसी कुछ चीजें सामने आई थी, जैसे जब हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में पढ़ा था, तो उत्तर वैदिक काल में क्या था कि वो एक शानदार एक शानदार काल रहा था। शानदार का ये मतलब था कि वहां बिल्कुल जिंदगी का अर्थ जिंदगी ही था, बिल्कुल जियो और जीने दो के आधार पे। लेकिन जब चीजें बढ़ते गई, लोगों के अंदर लालच पैदा होने लगी, तो ऐसे में उनके अंदर एक रूढ़वादी विचारधाराओं ने जन्म लिया। तो वही है यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है रूढ़ शब्द, और ये पेपर में खूब पूछा जाता है इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। चार ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, उन्हीं चार ऑप्शनों में से आपको एक सही करना होगा। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखिएगा, परिभाषा बिल्कुल लिख दिया गया है, वह शब्द जो वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे किसी एक वस्तु का या एक व्यक्ति का हमने नाम ले लिया तो वो बिल्कुल नो चेंज के फॉर्म पे काम करे, उसी को कहा जाता है रूढ़ शब्द, ठीक है। चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। रूढ़ का मतलब होता है जड़, वह शब्द जो किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है वही कहलाता है रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे अब एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं, हमने आपसे एक शब्द कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा फल, ठीक है। अब देखिएगा, एक शब्द मैंने लिया फल, अब जैसे मैंने कहा कुछ फल खिलाओ, या आप अगर मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो पूछते हैं कि भैया फल कितने रुपए किलो है, तो पता है वो क्या पूछेगा दुकानदार? भैया कौन सा फल चाहिए आपको? सीप, सेब या फिर संतरा, अनार, कोई भी ऐसा फल ले लीजिएगा। तो फल क्या हुआ अपने आप में? एक ऐसा शब्द हो गया जो एक वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है, जो एक वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अगर हमने कहा आपको फल खिलाओ, तो जो आपके पास जो फल होगा, जैसे मैंने कहा भैया बहुत तेज भूख लगी है, पानी पिलाओ, तो मुझे पानी ही पिलाओगे ना, और कुछ तो नहीं लाके पिला दोगे, दूध तो नहीं पिला दोगे, पानी ही दोगे ना। तो पानी क्या है? रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। ऐसे ही फल क्या है?
रूढ़ शब्द है, मैंने कहा आपसे फल खिलाओ, तो जो फल आपके पास होगा जैसे सेब है, संतरा है, अनार है, अंगूर है, मौसमी है, जो भी फल होगा उन्हीं फलों में से आप हमको खिलाओगे। ठीक। अच्छा एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, घर में हमारे मेहमान आए, हमारे नहीं आपके मेहमान आए, और मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा पानी वानी ले आओ, तो आप क्या करोगे? पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, यही सब चीजें होती है ना, मेहमान भाई आने पर तो यही सब तो प्रक्रिया होती है। तो जो प्रक्रिया होती है मेहमान के आने पर, जैसे मम्मी ने कहा कि जाओ मेहमान आ गए हैं इनके लिए पानी ले आओ, तो आप क्या करोगे बेटा? पानी लेकर आओगे। अगर मम्मी ने कहा है कि पानी ले आओ, तो एक औपचारिकता अपने आप में हो जाती है कि उसके साथ मिठाई उठाई भी ले। अच्छा ठीक है, मिठाई आई तो देखिएगा, हमने कहा मिठाई, हमने क्या कहा? मिठाई खिलाओ। मम्मी ने कहा कि ठीक है मिठाई उसी फ्रिज में रखा हुआ है ले आओ, तो तुम मिठाई ही ले आओगे ना, ना कि अंडा निकाल लाओगे, अंडा तो लाओगे नहीं क्योंकि मम्मी ने क्या कहा मिठाई लाओ। तो जो भी तुम्हारे पास मिठाई होगा भाई, रसगुल्ला, कलाकंद, ठीक है, काजू बर्फी, तमाम मिठाई आती है, ठीक है, तो जो मिठाई आपके पास होगी वही मिठाई लाओगे। तो मिठाई क्या है? रूढ़ शब्द है। मिठाई क्या है? रूढ़ शब्द है। फल क्या है? रूढ़ शब्द है। अच्छा मैंने कहा बैठने के लिए कुर्सी ले आओ, थके हैं कहीं से चले आए, तो मैंने कहा एक कुर्सी ले आओ बैठने के लिए, तो आपके दिमाग में क्या चला? हमको एक ऐसी चीज लाना है जिसके चार पैर होते हैं, जिस पर बैठने का काम होता है। चार पाई नहीं ले आओगे, तख्त नहीं ले आओगे, वही चीज लाओगे जिस पे बैठा जाता है। अब कुर्सी तो पता है फाइबर की कुर्सी होती है, स्टील की कुर्सी होती है, इसके अलावा फर्नीचर की भी कुर्सी होती है, ठीक है, तो फिर कोई भी कुर्सी ले आओ। तो कुर्सी क्या है अपने आप में? कुर्सी है रूढ़ शब्द। और कोई एग्जाम्पल ले, कोई एग्जाम्पल बताइए आप लोग। तो फल हो गया, कुर्सी हो गया, मिठाई हो गया, मतलब कि जो बिल्कुल नो चेंज के फॉर्म बेकार करे, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं रूढ़ शब्द बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर वीडियो को आप देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होगी आपको। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं, यौगिक। कौन से शब्द की तरफ चलते हैं? यौगिक शब्द की तरफ चलते हैं। तो यौगिक शब्द की तरफ चलते हैं। तो यौगिक शब्द क्या होता है देखिएगा, यौगिक में है एक शब्द योग, ठीक है, ये योग से बना है यौगिक। योग शब्द से क्या बना है? यौगिक। इसी योग शब्द से ही बना है यौगिक शब्द से ही बना है योग शब्द से बना है यौगिक शब्द, ठीक है। तो आपको तो चीजें पता हो गया होगा, योग का मतलब होता है जोड़, ठीक है, तो जोड़ जब किसी भी शब्द में होगा तो एक अकेला तो शब्द होगा नहीं, तो दो शब्द होगा। तो बस इसी की परिभाषा क्या है, जो दो शब्दों के मेल से बने, क्या होगा? जो दो शब्दों के मेल से बने, ठीक है। तो परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, यहां देखिएगा, यौगिक में अगर आप लोगों ने देखा तो ये योग शब्द से बना हुआ है, कभी कभी योग रूढ़ भी दे देता है, योग रूढ़ क्या है, ठीक है, चलिए हमें लिख दे रहा हूं, योग रूढ़ ही पूछ लेता है, ठीक है ना, तो घबराइएगा मत, यौगिक और योग रूढ़ दोनों एक ही हैं, ठीक है, यौगिक और योग रूढ़ दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम आपको यही बता रहे हैं यौगिक शब्द क्या होते हैं, तो आप बिल्कुल बिना लेट किए हुए हमारे चैनल पे जुड़ जाइए। तो इसमें क्या होता है, योग शब्द में दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से, ठीक है, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है वही यौगिक शब्द कहलाता है, ठीक है ना, दो शब्दों का मेल होना चाहिए। तो जैसे हमने लिखा विद्यालय, तो जब हमने लिखा विद्यालय तो आपने देखा विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय क्या हो गया? विद्यालय हो गया, ठीक है। तो दो शब्दों के मेल से बना कि नहीं बना? दो शब्दों के मेल से बना कि नहीं बना? बना ना। और भी लिखो, क्या लिखे आपका, पाठशाला, पाठ शाला, तो यहां क्या हो गया, पाठ और प्लस शाला, शाला का मतलब होता है जहां ज्ञान दिया जाए, ठीक है, तो पाठशाला हो गया, विद्यालय हो गया, ठीक है। ऐसे तमाम शब्द हैं
जो दो शब्दों के मेल से बने वो क्या कहलाएंगे, योगिक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम रफ कर दे रहे हैं। जब इसको हम रफ करेंगे तो आगे चलते हैं हम। कोई दिक्कत होगी और बताइएगा, और एग्जांपल दे दें, बताइए, कोई दिक्कत हो तुरंत बताइए। ठीक है ना, क्या दे दें? अच्छा, विद्यालय हो गया, हो गया, ठीक है, पुस्तकालय, तो क्या लिखेंगे आप? पुस्तक प्लस आलय, आलय का मतलब होता है घर। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? तो यौगिक शब्द कहलाएगा। तो यौगिक शब्द क्या हो गया? दो शब्दों के मेल से जो शब्द बने वही क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। कितने? दो शब्दों के, दो शब्दों के। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगी और बताइएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। आगे चल रहे हैं, चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट सेशन में टाइप करिए। ठीक है, चलिए अगला है सामासिक शब्द। सामासिक शब्द क्या होता है ये? तो देखिएगा, कुछ अलग नहीं करना है इसमें, कुछ अलग नहीं करना है। तो देखिएगा, दो शब्दों के, दो शब्दों के मेल से बने। अच्छा, यौगिक में भी बताया था मैंने दो शब्दों के मेल से, लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है? देखिएगा, दो शब्दों के मेल से बने किंतु विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हो, किंतु विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हो, ठीक है ना, किंतु स्पेसिफिक हो, किंतु विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हो, किंतु विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हो। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया रूढ़ शब्द। तो रूढ़ में कहा, रूढ़ का मतलब होता है जड़, तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे मैंने कहा फल, फूल, सब्जी, मिठाई, कुर्सी, इटीसी। ठीक, इसी तरह मैंने आपसे फिर बताया कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। तो यौगिक शब्द में मैंने आपसे कहा कि दो शब्दों के मेल से सिर्फ बने, दो या दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं यौगिक में। ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जाइएगा टेलीग्राम चैनल में, वहां आपको सारे एग्जांपल मिलेंगे। ठीक, चलिए, तो इसमें देखिएगा सामासिक में क्या है। तो सामासिक में क्या है कि दो शब्दों के मेल से बनता है किंतु विशिष्ट अर्थ देता है, विशिष्ट अर्थ स्पेसिफिक देगा। जैसे मैंने आपसे कहा दशानन, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा दशानन, ठीक है, तो देखिएगा इसका तो हो गया दस प्लस आनन, आनन, ठीक है, दस प्लस आनन क्या हो गया? दशानन। ठीक है, तो दशानन का मतलब क्या हो गया कि दस मतलब आपको पता ही नंबर है दस, और आनन का मतलब होता है मुख, तो अर्थात क्या हो गया? रामण। विशिष्ट अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? जैसे देखिएगा, दो शब्दों के मेल से बने किंतु एक विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हो, और जब विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हो तो वही क्या कहलाएगा? सामासिक शब्द, या सामासिक रूढ़ भी कभी कभी इसको कह देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे दशानन हो गया, तो दशानन दस प्लस आनन अर्थात रामण, विशिष्ट अर्थ रामण हो गया। जैसे मैंने कहा त्रिनेत्र, ठीक है ना, मैंने क्या कहा? त्रिनेत्र। जैसे मैंने आपसे कहा त्रिनेत्र, तो आपको समझ में आ गया होगा तीन नेत्र, तीन नेत्र, तीन का मतलब हो गया तीन, ठीक है, नेत्र का मतलब हो गया आंख। तो देखिएगा, दो शब्दों के मेल से तो बना है, दो शब्दों के मेल से तो बना है, किंतु विशिष्ट अर्थ का प्रयोग हो रहा है। त्रिनेत्र किसे कहा जाता है? शंकर जी को कहा जाता है, भगवान शंकर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? सामासिक रूढ़ हुआ कि नहीं? सामासिक रूढ़ हुआ। अच्छा, एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं, जब कभी भी बहुव्रीही समास, ठीक है ना, समास हम पढ़ाएंगे आपको, जब कभी भी बहुव्रीही समास का कोई भी एग्जाम्पल आपसे दे दिया जाए, ठीक है ना, जब भी कभी भी आपसे बहुव्रीही समास का एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, तो वहां कौन सा शब्द होगा? वहां पर सामासिक शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? सामासिक शब्द हो गया। जैसे दशानन हो गया, लंबोदर हो गया, गणेश जी का लंबोदर पूछ ले कौन सा समास है, तो सामासिक रूढ़ हो गया, ठीक है ना। त्रिनेत्र हो गया, बीड़ा पाणी हो गया, ठीक,
ऐसे ही तमाम मतलब शब्द जो है इसके एग्जाम्पल है, लेकिन बहुग्रही समास के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं सब समासिक गुण कहलाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने तीन चीजें पढ़ा है, एक बार उसको फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है तुरंत कमेंट सेशन में आप पूछिएगा, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क चैनल है, आपको मिल रहा है, आप पढ़ते जाए, नोट्स बनाते जाए, बैक टू बैक एक चीज आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको रूल शब्द बताया, और रूल शब्द में मैंने आपसे कहा कि दो जो शब्द किसी अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं रूल शब्द कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में दिया था मैंने कुर्सी दिया था, फल दिया था, ठीक है, ऐसे आदि हमने आपको एग्जाम्पल में दिया था। इसके अलावा हमने आपको यौगिक शब्द बताया, और यौगिक शब्द में मैंने कहा कि दो शब्दों के मेल से बने, कितने, दो शब्दों के मेल से, ठीक, दो शब्दों के मेल से। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया विद्या प्लस आलय का, दो शब्द का मेल हो गया। इसके अलावा आज हमने पढ़ा समासिक रूढ़, और समासिक रूढ़ में हमने देखा कि दो शब्दों का मेल तो हो रहा है, दो शब्दों का मेल हो रहा है, दो शब्दों का मेल हो रहा है, किंतु विशिष्ट अर्थ दे, कौन सा अर्थ दे, विशिष्ट अर्थ दे, और जब विशिष्ट अर्थ देगा तो वह कौन सा कहलाएगा, समासिक रूढ़। एक और मैंने आपको इसमें ट्रिक दिया था, ट्रिक क्या दिया था, ट्रिक मैंने आपको क्या दिया था, ट्रिक मैंने कहा था कि बहुव्रीही समास के अंतर्गत, बहुव्रीही समास के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल हैं सब क्या कहलाते हैं, समासिक रूढ़ कहलाते हैं। लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, त्रिनेत्र हो गया, पीड़ापाणी हो गया, शूलपाणी हो गया, ठीक है ना, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपको यहां से मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्त इतनी सारी चीजें आप लोग बिल्कुल कायदे से समझ गए होंगे। हम अपने अगले वीडियो में तत्सम और तद्भव और इसके अलावा संकर शब्द लेकर आएंगे। तो आज कैसी रही हमारी क्लास दोस्तों, आप हमारे कमेंट सेशन में हमको जरूर बताइएगा, और विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करिए, निःशुल्क है सारी चीजें, ठीक है, ओके, धन्यवाद।